नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगिड। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ वही पुराने वाले वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है इसको कंप्लीट खोल के आपको दिखाया था क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर होता है और कितने इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके बारे में कंप्लीट बताया था मैंने। इसके सभी पार्टों को खोल के आपको इसका दिखाया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन और किस टाइप से वर्क करता है इसके बारे में बताने वाला हूं। बिल्कुल इसका हम कंप्लीट थ्योरी सहित आपको समझाएंगे और किस टाइप से वर्क करता है, कितना सेफ है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए, और इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त भारत जांगिड़। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फर्स्ट में देखिए लास्ट के दो टर्मिनल हैं, उनमें हमने हमारा एक टेस्टिंग लैंप है जो बल्ब लगाकर एक होल्डर उसमें कनेक्ट कर दिया है, रेड और ब्लैक वायर। उसके बाद में दो ब्लैक वायर है हमारे पास जो कि हमने एक प्लग में लगाए हुए हैं मेन लीड बनाकर। वो हमने बीच के जो दो टर्मिनल हैं इसके मेंस वाले उसमें लगा दिए। उसके बाद में दोस्तों दो वायर हमारे पास ग्रीन वाले हैं, ये भी एक लीड हमने बनाई हुई है, वो हमने जनरेटर सप्लाई पे लगा दिया है। तो दोस्तों छः के छः वायर हमने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। तो आप देखिए हम इसमें सप्लाई देते हैं। फर्स्ट में हम इसमें मेंस हमने ऑन किया है, मेंस लगाते ही हमारा बल्ब है जो ग्लो कर गया है और मेन का इंडिकेटर देखिए आप चेंज ओवर के आगे रेड कलर का जल रहा है बिल्कुल। तो इसके बाद में दोस्तों देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है और अब इसमें हम जनरेटर के लिए इसमें हम दोस्तों इन्वर्टर की सप्लाई देंगे। तो हमने जो ग्रीन वाला प्लग है उसको हमने ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इसको कनेक्ट करने के बाद में हमारी जो इन्वर्टर की सप्लाई इसके अंदर ग्रीन वायर से आ रही है। जैसे ही सप्लाई कनेक्ट हुई है ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें सप्लाई उसी हिसाब से आपको लगाना है मेंस पे, जो आपको फर्स्ट में यूज़ करना है उसको आपको मेंस पे लगाना होगा, इन्वर्टर हो सोलर हो जो भी आप या फिर जनरेटर हो। तो दोस्तों देखिए मेंस यदि आ रहा है तो ये मेंस को ही निकालता रहेगा बाईपास करके और जो जनरेटर वाली सप्लाई है उसको नहीं चलाएगा। जैसे ही हमारी मेंस ऑफ होगी तो दोस्तों देखिए इसकी जो बिलिंग है ऑफ हो जाएगी और ये जो हमारा लोड है ये यहाँ से इस पे ग्रीन वाले पे आ जाएगा, यानी कि जनरेटर पे या आप जो भी इसमें लगाओगे उस पे आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सेफ है, कोई फॉल्ट नहीं है, आप न्यूट्रल फेस कभी भी इसमें किधर भी चेंज करके लगा सकते हैं, वो भी कोई उसका भी कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल तीनों रिले बिल्कुल अलग अलग लगी हुई हैं इसके अंदर, मैंने जैसा कि आपको बताया था। ये देखिए जैसे ही हमारी मेंस आती है तो मेंस तुरंत चालू हो जाती है और जो हमारी जनरेटर वाली सप्लाई है वो इसकी बंद हो जाती है। उसको ये देखिए इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जनरेटर ऑन है और सप्लाई इसके अंदर आ रही है, बाकी हमारा लोड है जो मेंस पे आ गया है। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी मेंस नहीं है और मेंस जाने के बाद में ये देखिए हमने जनरेटर ऑफ कर दिया है, मेंस पे लोड है हमारा, ठीक है, दोनों ही गायब होने पर हमारा लोड बंद हो जाएगा, मेंस भी नहीं आ रही है और जनरेटर भी कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। इसके बाद में जैसे ही हम जनरेटर ऑन करेंगे तो उसके 10 बार बिलिंग करने के बाद में 10 सेकंड ये मान लो आप 10 सेकंड बाद हमारा लोड ऑन होगा डायरेक्ट। यदि हम जनरेटर पे इसको ऑन करते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है 10 सेकंड बाद ऑन होगा, ये देखिए उस ऑन होने के बाद में जो बिलिंग करने वाला जो इसकी इंडिकेशन है वो बंद हो जाएगा। और ये देखिए जैसे ही मेंस आएगी वापस से तो हमारा लोड जो मेंस पे आ जाएगा और जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये बताएगा, जो हमारा चेंज ओवर स्विच है ये देखिए जनरेटर की सप्लाई आपकी आ रही है, बिलिंग कर रहा है जनरेटर, बाकी लोड इसका मेंस पे आ जाता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें ताकि इस टाइप का जो भी हमारा नॉलेजफुल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,
चलिए कनेक्शन हम दोबारा से खोल देते हैं और इसे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 3500 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है। 30 एम्पियर का लोड सिंगल फेज का आप इस पर आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।